देख रही हैं आप, मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, नूह हिंसा मामले में पुलिस का यह बड़ा एक्शन। कांग्रेस विधायक मामन खान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मामन खान पर है नूह हिंसा का आरोप। आज मामन खान की नूह जिला अदालत में पेशी। एसआईटी के सामने पेश नहीं हुए थे मामन खान। एसआईटी ने दो बार पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन मामन खान एक बार भी नहीं पेश हुए और ना ही एसआईटी के सवाल जवाबों का यहां पर दिखने को मिला। और अब देखिए पुलिस का ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। कांग्रेस विधायक मामन खान गिरफ्तार। मामन खान पर नूह हिंसा का आरोप है। आज मामन खान की नूह जिला अदालत में पेशी। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो विधायक मामन खान ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और इसमें पूरे मामले की जांच निष्पक्षता से करवाने की मांग की गई थी। तो याचिका में यह कहा गया था कि हिंसा पर सभी ओर से सरकार गिर चुकी है और खुद को बचाने के लिए राजनीतिक विरोधियों पर दोष मढ़ने में लगी हुई है। और अब देखिए यहां नूह जिला अदालत में पेशी। और मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, रवि। रवि, विधायक मामन खान की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। रवि, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल साधना, देखिए कांग्रेस विधायक मामन खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल, सूत्रों के मुताबिक मामन खान को करीब 9 बजे राजस्थान से गिरफ्तार किया है। पुलिस आज सुबह मामन खान को नूह जिला अदालत में पेश करेगी। मामन खान पर नूह में जो हिंसा हुई है उसको भड़काने का आरोप जो है वो लगाया गया है। पुलिस ने पूछताछ के लिए मामन खान को बुलाया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। दो बार एसआईटी की तरफ से मामन खान को नोटिस दिया गया था। पहली बार जब नोटिस दिया गया तो मामन खान ने तबीयत का हवाला देते हुए एक जवाब जो है वो दाखिल किया था। अगर दूसरी बार की बात करें तो दूसरी बार मामन खान की तरफ से कोई जवाब जो है वो नोटिस का नहीं दिया था। इसके बाद मामन खान ने गिरफ्तारी के डर से हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई थी। याचिका के दौरान हुई सुनवाई में मामन खान को कोई राहत नहीं मिली थी। तो अब सबसे बड़ी खबर यही है कि मामन खान को कल रात 9 बजे के आसपास गिरफ्तार किया है। आज पुलिस जो है मामन खान को नूह जिला अदालत में उनको पेश करने वाली है। तो कहीं ना कहीं मामन खान की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई फिलहाल नजर आ रही है। जी बिल्कुल रवि, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो एसआईटी ने दो बार पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन मामन खान नहीं गए और तबीयत का एक बार तो हवाला दे दिया गया जब पहली बार बुलाया गया। और मेरे सहयोगी गुलशन भी जुड़ गई हैं। गुलशन, मामन खान की मुश्किलें फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब देखिए नूह जिला अदालत में पेशी होगी मामन खान की आज। देखिए मामन खान जिस तरह से दो बार नोटिस देने के बाद एसआईटी के साथ नहीं हुए थे, तो अब आज एसआईटी के हफ्ते वो चढ़ गए हैं। कल देर रात ही तो लोग पुलिस की एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया और अब आज से अदालत किया जाएगा। और आज एसआईटी जो है बांड जो है मांगेगी, क्योंकि नूह हिंसा से जुड़े जो भी तथ्य है मामन खान के खिलाफ जो है उनके सामने आए हैं, तो ऐसे में उन सभी तथ्यों पर जो है पुलिस जांच करे और रिमांड मांगे ताकि वो सारे सब कुछ जो है। हालांकि पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि जहां जहां मामन खान की लोकेशन जो है वो नजर आ रही है, तो ऐसे में हिसाब तौर से जब एसआईटी ने पूरे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं तभी अब एसआईटी ने मामन खान को पकड़ा है। हालांकि मामन खान इन सभी बातों से इनकार कर रहे थे कि उनका इस नूह हिंसा से कोई भी मामला नहीं है, उन्होंने कोई भी इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया है। लेकिन जब एसआईटी ने पूरी जांच की, जिन आरोपियों को एसआईटी ने पकड़ा, उसके बाद ये मामला खुलकर सामने आया कि मामन खान भी इस पूरे मामले में संलिप्त है। तो फिर पुलिस ने जांच की, तो जांच में कई सबूत जो है एसआईटी को मिले हैं। अब उन्हीं सबूतों के आधार पर एसआईटी ने उन्हें गिरफ्तार किया और अब रिमांड जब एसआईटी लेगी तो उन्हीं सबूतों की
पूछताछ करेगी जो सबूत एसआईटी ने इकट्ठे किए हुए हैं। हालांकि इसको लेकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी आपने बयान कल सुना होगा, उन्होंने जब चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने साफ तौर से कहा था यदि इस मामले में मामन खान अगर दोषी होंगे तो वो कहां थाने में वहीं से ही उन्हें गिरफ्तार कर दिया जाएगा। बिल्कुल, ऐसे में अब ये साफ तौर से जिस तरह से अब गिरफ्तारी हुई है तो गिरफ्तारी पर मामन खान पर भी अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मामन खान आखिरकार भाग रहा था, पहले एक बार बुखार का हवाला दिया तो दूसरी बार वो कोर्ट में पेश, दूसरी बार वो एसआईटी के सामने पेश नहीं हुआ। फिर उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट में एक याचिका दाखिल की जिसमें उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच जो है आईजी स्तर के अधिकारी से होनी चाहिए, जिसमें नूह के एसपी थाना के एसएचओ और हरियाणा के गृह सचिव उसको तलब किया था। तो ये और कानूनी क्या व्यवहार, हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें ये भी कहा था कि वो कोई भी कानूनी विकल्प का सहारा ले सकते हैं, लेकिन जनता के मतलब अग्रिम जमानत लगाने की तैयारी में, लेकिन उससे पहले ही एसआईटी ने उनका सर दबोचा है और अब क्या कुछ पूछताछ में खुलासे होते हैं एक बड़ा सवाल है। दो हिंसा में जिस तरह से बोलू मानकर बात सामने आ रही और एक साथ उसने तो विधानसभा में मामन खान ने बयान दिया था, उसमें मामन खान ने विधानसभा में अपना कहा था कि प्याज की तरह फूल दूंगा, यानी वो गले की पास उनके लिए बन गया है और आज वो बयान जो है कहता है कि मामन खान ने तो आज बिल्कुल गुलशन, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।